हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आई डिस्कस कर लेते हैं आज का एडिटोरियल। तो ये देखिए जो आर्टिकल है क्रंच टाइम एट डब्ल्यूटीओ, तो डब्ल्यूटीओ की मीटिंग चल रही है, इसके मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग चल रही है अर्जेंटीना में, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल इसको देखेंगे। इसके अलावा कोरिया जो है वो धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ती जा रही है, तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं उस रीजन में, उससे रिलेटेड आर्टिकल है इसको भी देखेंगे। इसके अलावा नीचे एक आर्टिकल है जो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है, फैज़ान मुस्तफ़ा ने लिखा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए WTO की जो मीटिंग हो रही है, ये हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हो रही है, 11th बायनियल कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, ठीक है ना। तो याद रखें WTO की जो मीटिंग होती है ये बाई एनियल होती है, यानी कि 2 साल में एक बार होती है, ठीक है। ये हो रही है कहाँ पे, ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में। राइट, तो आइए थोड़ा सा पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि WTO है क्या। राइट, तो देखिए WTO जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, ठीक है ना। और ये 1 जनवरी 1995 को ये मरेकश एग्रीमेंट के थ्रू इसको साइन किया गया था। राइट, 123 नेशन ने इसको साइन किया था 1994 में, ठीक है ना। पहले इसका नाम गैट था, गैट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। राइट, ये जो गैट था ये 1948 में ही बना था, लेकिन ये गैट नहीं, फिर ये मरेकश ट्रीटी जब साइन हुई 1995 में, तो इसको WTO नाम दिया गया, ठीक है ना। तो ये देखिए ये एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया का, ठीक है ना। तो ये ट्रेड से जितने रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं, जितने एग्रीमेंट होते हैं, वो सारे यहीं पे लिए जाते हैं। इसका मेन काम यही है कि ये क्या करता है, ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, ट्रेड को आसान बनाता है, और जितने भी डिस्टॉर्शन आते हैं, जितने भी हर्डल्स आते हैं ट्रेड में, उसको एक तरीके से दूर करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ ये को प्रमोट करने की कोशिश करता है। तो इसमें देखिए कुछ प्रोविज़न है, जैसे एक प्रोविज़न जो है वो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, तो क्योंकि इस जो हम डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल, उसमें इसका यूज़ होगा, ठीक है। तो ये देखिए जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, इसके 3 पिलर है, एक है डोमेस्टिक सपोर्ट, एक है मार्केट एसेस, और तीसरा है एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो इसका मतलब क्या है, देखिए डोमेस्टिक सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारे वहाँ गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है कुछ बेनिफिशियरीज को, ठीक है ना, कुछ जैसे पुअर लोगों को। जैसे हमारे वहाँ क्या होता है, डीजल में जैसे सब्सिडी प्रोवाइड कर दी गई, LPG में सब्सिडी प्रोवाइड कर दी गई, ठीक है ना। और इसके अलावा फार्मर्स को और भी सारी सब्सिडीज, MSP जो दिया जाता है, तो उसमें भी सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो दूसरा एस्पेक्ट है मार्केट एसेस, यानी कि मार्केट जो एसेस है उसको एक तरीके से कैसे ईजी बनाया जाए, तो इसमें ये डेवलप्ड कंट्रीज में देखिए क्या होता है कि जो टैरिफ होते हैं वो टैरिफ को कुछ क्या करते हैं, वो बढ़ा देते हैं। जैसे इंडिया अगर कहीं एक्सपोर्ट करना चाहता है, जैसे US में एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो वो क्या करेंगे कि जो टैरिफ है उसको बढ़ा देंगे। तो टैरिफ बढ़ाने से क्या होगा कि हमारे जो प्रोडक्ट होंगे वहाँ पे एक तरीके से महंगे हो जाएंगे, तो वहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट है वहाँ से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। राइट, तो उसी को मार्केट एसेस में काउंट किया जाता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट सब्सिडीज, कुछ कंट्रीज़ क्या होते हैं कि वो उनका जो सामान विदेशों में जाता है तो उसको ऑलरेडी वो एक्सपोर्ट, जैसे डेवलप्ड कंट्री क्या करते हैं कि वो एक्सपोर्ट सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो एक्सपोर्ट सब्सिडी से क्या होता है, जैसे चाइना है, चाइना जब यहाँ पे कुछ सामान बेचता है तो वो एक्सपोर्ट सब्सिडीज प्रोवाइड करता है, तो वो एक्सपोर्ट सब्सिडी की वजह से वो सामान इंडिया में काफ़ी सस्ते हो जाते हैं, तो इंडिया के जो मार्केट है उस पर असर पड़ता है, क्योंकि इंडिया के जो प्रोडक्ट है उससे कम्पीट नहीं कर पाते, और वो क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं चाइना के सस्ते हो जाते हैं, तो लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है इस पे मार्केट पे भी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बेसिक चीज़ें देख ली, अब आइए देखते हैं आर्टिकल क्या करता है। देखिए आर्टिकल की जो मीटिंग हो रही है, इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें मेन जो 3 चीज़ें डिस्कस की जानी है, एक तो रूल ऑन फार्म सब्सिडीज, जो हम फार्मर को सब्सिडीज देते हैं वो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा जो फिशरीज़ का जो मसला है, जो सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं फिशरीज़ को, उसको एलिमिनेट करने का, ठीक है ना, एलिमिनेशन ऑफ सपोर्ट फॉर अनसस्टेनेबल फिशरीज, ठीक है ये। और तीसरा है जो ई कॉमर्स का जो है उसको रेगुलेशन का काम, ठीक है। 3 ये मेन हमारे इशू हैं जो वहाँ पे डिस्कस किए जाने। तो ये कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो इंडिया और चाइना जैसे ग्रुप को एक तरीके से सपोर्ट कर रही हैं कि जो भी डिस्टॉर्टिंग चीज़ें हैं उनको उनको क्या किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, ठीक
ठीक है ना, टू एलिमिनेट द मोस्ट ट्रेडिंग डिस्टॉर्टिंग फार्म सब्सिडीज वर्थ 160 बिलियन इन सेवरल इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज इज आर्ग्यूबली द मोस्ट कॉन्टिटीज एजेंडा आई मीन मिनिस्ट्रियल, ठीक है ना। तो इनकी देखिए डिमांड मेन यही है कि जो फार्म सब्सिडीज हम प्रोवाइड करते हैं ये 160 बिलियन के अराउंड कह रही है। तो ये कह रहे हैं कि बहुत बहुत सारी जो इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमीज हैं वो यही चाहती हैं कि ये क्या हो, ये इसको ख़त्म किया जाए, राइट। इससे देखिए ये क्यों ख़त्म करने की बात हो रही है, होता यूँ है कि ये जो है ये परसेंटेज बेस होता है, ठीक है। तो परसेंटेज बेस होता है लेकिन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में होता है, तो इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में वर्ल्ड की चूँकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं तो उनकी इकोनॉमी ज़्यादा होती है, राइट। तो उनके परसेंटेज जो होते हैं हमारे परसेंट हम जैसे अगर मान लीजिए उनकी इकोनॉमी 10 लाख की है, ठीक है ना, 10 लाख करोड़ की, हमारी इकोनॉमी 1 लाख करोड़ की है, राइट। तो 10 लाख करोड़ का अगर वो 10% 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 1 लाख होगा, और हमारी जो है 1 लाख करोड़ की है तो 1 लाख का हम निकालेंगे तो कितना होगा, 10,000 होगा, राइट। तो अगर दोनों का 10-10% बराबर भी हो तब भी हम लॉस में हैं, लेकिन ये देखिए 5 और 10 है तो 5 के बावजूद भी जो डेवलप्ड कंट्री है वो उनको ज़्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। तो उसी को कह रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाए क्योंकि इससे कह रहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, राइट। और ये कुछ और जो डिस्प्यूट हैं उसमें ये कह रहे हैं कि देख जैसे ये है स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम फॉर फूड सिक्योरिटी इन डेवलपिंग वर्ल्ड, राइट। तो ये कह रहे हैं कि जो एक और इशू है इनका उसको उसके भी परमानेंट सोल्यूशन की बात की जाएगी, और ये है जो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इशू है उसकी भी कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये क्या होता है, ये फूड चूँकि फूड सिक्योरिटी तो डेवलप्ड कंट्री फूड सिक्योरिटी के नाम पे खूब सारी सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो उसको भी एक तरीके से वो भी एक मेजर डिस्प्यूट है। इसके अलावा कह रहे हैं कि G33 जो कोलिशन है जिसमें इंडोनेशिया चाइना और इंडिया शामिल है ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा करें कि आप इनको कंप्लीट एग्जम्पशन फ्रॉम कमिटमेंट टू रिड्यूस सब्सिडीज, ठीक है। ये चाहते हैं कि जो हम ये इंडिया इन लोगों पे जो हमेशा प्रेशर रहता है कि आप सब्सिडीज कम कीजिए वो इससे एग्जम्पशन चाहते हैं, राइट। क्योंकि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो इनका ये तो चूंकि अभी इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो इनका पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम भी चल रहा है जैसे हमारे वहाँ खुद ही चल रहा है, ठीक है। तो ये गरीबी से चूँकि कैसे निकालेंगे, जब तक ये सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करेंगे तब सबसे लोग गरीबी से बाहर कैसे आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए चाहते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, राइट। और अगली चीज़ जो है वो ये कह रहे हैं कि लेकिन जो कुछ और कंट्रीज़ जैसे हैं यूरोपियन यूनियन और ब्राज़ील जो हैं वो क्या करेंगी, उनकी देखिए उनका जो स्टैंड होगा वो ये होगा कि वो चाहेंगी कि एग्रीमेंट ऑन देयर ओन प्रपोजल टू रिड्यूस ट्रेड डिस्टार्टिंग सब्सिडीज ऑन अ परसेंटेज बेसिस इन बोथ एडवांस एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। ये तो कहेंगी कि ठीक है आप ये जो सब्सिडीज है इसको कम कर लीजिए लेकिन परसेंटेज के फॉर्म में, तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा अगर परसेंटेज के फॉर्म में करेंगे। तो यही कह रहे हैं कि यू और ब्राज़ील का स्टैंड यही हो सकता है कि वो एग्री तो हो जाएंगे लेकिन परसेंटेज बेसिस पे मानेंगे वो, ठीक है। और इसके अलावा कह रहे हैं कि देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है चाइना की जो पॉलिसी है, चाइना की इस वक्त जो स्टैंड है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाला है, क्योंकि देखिए बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें यूएस जो पहले उसका हिस्सा हुआ करता था, मेंबर हुआ करता था, अब धीरे धीरे वहाँ से विड्रा कर रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो अब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रहा है, ठीक है, जो कि ये इंटरनेशनल जो ये ट्रेड है जो कि मेन इसका ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उसके बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। क्योंकि ये तो ट्रेड को फैसिलिटेट करना चाहते हैं ना, ये तो चाहते हैं कि ट्रेड बैरियर खत्म हो और आसान हो, लेकिन ये यूएस क्या चाहता है, यूएस तो कह रहा है कि हम सिर्फ यूनिलैटरल ट्रेड करने के मूड में। तो इसी को कह रहे हैं कि ये मिस्टर ट्रंप की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है ये एक तरीके से इकोनॉमिक बैरियर का काम कर रही है, राइट। तो ये सारा आर्टिकल था, तो देखते हैं क्या होता है, अभी मीटिंग वहाँ पर चल रही है, 2 दिन और शायद चल रही है, राइट। अगला आर्टिकल देखिए ये जो है ये कह रहे हैं कि जो कोरिया जो है कोरिया को एक बड़ा खतरा मान रहे हैं चूँकि कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो ये पूरे आर्टिकल में यही कहा गया है कि और चूंकि यूएस का जो स्टैंड है कोरिया के खिलाफ तो ये देखिए काफ़ी आक्रामक रूप अपना रहे हमारे जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कई बार कुछ अपशब्द भी उनको कहे, उनको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उन्होंने क्या कहा, नॉर्थ कोरिया निवेस्ट हाउसांग, देखिए न्यू नॉर्थ कोरिया ने अभी जो एक मिसाइल का जो वो किया था प्रक्षेपण किया था हाउसांग 15 का, तो इसकी रेंज जो थी वो बहुत ही लंबी थी, इवन ये यूएस तक को रीच कर सकता है, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि ये एक इंटरकॉन्टिनेंशियल जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये एक तरीके से इसका वो करना क्या बोलते हैं नॉर्थ कोरिया के पास इसका आना एक तरीके से खतरे की घंटी है, राइट। तो इसको कह रहे हैं कि इनको इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है, ना कि आप ट्रंप जैसे इनको बार बार कुछ ना कुछ शब्दों का यूज़ करके उनको पुकारते हैं। तो ये कह रहे हैं कि
सही नहीं है, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है उनको क्या कहते हैं, रूथलेस डिक्टेटर्स कहते हैं, कभी मैड मैन कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मोर पोटेंशियली हिज पॉलिसी ऑफ टेकिंग ऑन द एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी सीमिंगली प्रीमिस्ड ऑन द क्लासिकल मिलिट्री स्ट्रेटजी ऑफ एस्केलेटिंग डी एस्केलेट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं लेकिन जो इस उनकी जो पॉलिसी है, जो ये मिलिट्री स्ट्रेटजी को एस्केलेट करने की, ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे वो पहले तो ये क्या नाम है, अपनी पॉलिसी जो थी इसको एस्केलेट करने के मूड में नहीं थे, ठीक है ना। मिलिट्री जो इनकी थी उसको बहुत ज़्यादा एस्केलेट करने के मूड में नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये इसको बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इनका जो ये स्टेप है, ये एक तरीके से शो कर रहा है कि सारी क्रिटिसिज्म के बावजूद और सारे एफर्ट के बावजूद, जो भी पूरी दुनिया के लीडर चाहे जो भी कंट्रीज कर रहे हैं उसके बावजूद भी जो नॉर्थ कोरिया है उस पर इसका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। वो अपना जो भी करना है वो करते जा रहा है, ठीक है। देखिए इसने विड्रू किया था एनपीटी से 2003 में, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्यूटी से 2013 में इसने अपने आप को बाहर कर लिया था। और उसके बाद जो सिक्स पार्टी टाक भी हुई थी कि क्या किया जाए, डिफ्यूज़ कर दिया जाए कोरियन पेनिनसुला की, मतलब जो सिचुएशन थी उसको, लेकिन ये भी असफल रही, ठीक है ना। विच लेड टू सिक्स पार्टी टाक्स टू डिफ्यूज़ द सिचुएशन ऑफ द कोरियन पेनिनसुला, राइट। सिक्स पार्टी टाक भी हुई थी इसको डिफ्यूज़ करने के लिए इस सिचुएशन को, लेकिन वो भी सफल नहीं रही। लेकिन कह रहे कि नॉर्थ कोरिया जो रिजाइम है वो कह रही है कि एक तरीके से ग्रेट पावर, दो ग्रेट पावर एक तरीके से आमने सामने हैं, और ये कह रहे हैं कि जो इनकी स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन है वो भी एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नॉर्थ कोरिया कंडक्टेड सेवरल न्यूक्लियर टेस्ट एंड हैज हाउ मेनी, तो ये कह रहे हैं कि देखिए इसने बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं और अब ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो पीछे हटे, राइट। और फिर आगे ये कह रहे हैं कि देखिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनाई जा चुकी है सारे कंट्रीज़ के द्वारा, लेकिन उसका कोई उस पर असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की रही है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि बीजिंग ने भी अपनी वो क्या नाम है, उनसे बात की, रशिया का भी उसमें वो है, लेकिन कोई उनका असर नहीं थी, असर दिखाता नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे ये है, ये कह रहे हैं कि ये तो खैर कंट्रीज़ ये कोशिश कर रही हैं, इनके लिए भी खतरा है, लेकिन जो सबसे इमीडिएट डेंजरस जिनके लिए है, इमीडिएट डेंजर जो है वो है आपके जापान और साउथ कोरिया के लिए, क्योंकि इनकी जो बाउंड्रीज है इससे साफ काफ़ी क्लोज है, ठीक है ना। तो यही कह रहे हैं कि वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस नेबरहुड टोक्यो एंड सिवाड वुड बी फर्स्ट द फेस किम्स रात, ठीक है ना। तो अगर कोई शिकार होगा सबसे पहले इसके गुस्से का, तो ये दोनों कंट्रीज़ हो सकती हैं। और ये कह रहे हैं कि जो जो सिचुएशन थी, तो यूएस ने जब ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अपनाई उसके बाद ये और वर्स हो गई, राइट। क्योंकि जापान, आप लोगों को पता होना चाहिए, जापान जो है वो मिलिट्री उसकी अपनी नहीं है, तो वो यूएस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जापान को और वरी कर रही हैं, तो उसकी एक तरीके से चिंताएँ बढ़ती जा रही हैं, राइट। और कह रहे कि जो करंट क्राइसिस है फर्दर और ज़्यादा बढ़ गई, मिस्टर ट्रंप की जो भी जो डील हुई, डील ब्रेकिंग जो टेंडेंसीज है मिस्टर ट्रंप की, फॉर इंस्टेंसेस हिज एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन टिराइड अगेंस्ट ईरान न्यूक्लियर डील। हाँ, ये कह रहे हैं कि देखिए न्यूक्लियर वेपन एक तो इसके पास है, ये सबसे बड़ी। दूसरी बात ये है कि जो यूएस की पॉलिसी है वो इनके लिए एक सबक तरीके सीखने वाली है, क्योंकि देखिए इन्होंने ईरान के साथ भी न्यूक्लियर डील की थी उसमें, लेकिन ईरान को बहुत इन्होंने एक्सप्लॉइट किया और ये मानने को तैयार ही नहीं है, जबकि ईरान ने सब कुछ इनको एक एक जो इनके प्रोविजन थे सबको फॉलो किया, उसके बावजूद भी ये ईरान को हैरेस कर रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके पास न्यूक्लियर वो मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने डील की, वो भी सफल नहीं हुई। तो यही कह रहे हैं कि इसके अलावा इन्होंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीट पाकिस्तान ईरान या नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि तीनों केसेस में चूंकि यूएस की जो पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट नहीं रही और इन्होंने तीनों जगह इन्होंने मिसयूज़ किया, इसलिए ये नॉर्थ कोरिया से तो बात, नॉर्थ कोरिया तो अब ये सब चीज़ें जानता है, इसलिए वो इसमें इनके चक्कर में नहीं फंसने वाला। तो फाइनली ये कह रहे हैं कि जो सिक्स पार्टी अटैक हुई थी उनको एक इसका जबकि सोल्यूशन यही कह रहे हैं कि एक कम्प्रिहेंसिव सस्टेन एंड डिप्लोमेटिक सोल्यूशन विल वर्क,
ठीक है, यही ये काम करेगा कि आप एक तरीके से इस पे कॉम्प्रिहेंसिव डिप्लोमेटिक सोल्यूशन इसका निकालें, दो अ रिजल्ट ऑफ विच इज अनसर्टेन एंड द इंटेंट ऑफ विच इज नॉट एग्जिस्टेंट अमंग द ग्रेट पावर एट दिस पॉइंट। तो मतलब ये कह रहे हैं कि आप एक तरीके से एग्रेसिव रवैया अपनाने के बनाए एक तरीके से डिप्लोमेटिक टॉक कीजिए, इनके साथ बात कीजिए, एंगेज करने की कोशिश कीजिए, तभी ये बात बन सकती है, वरना फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो फाइनली ये कह रहे हैं कि द ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ दिस अप्रोच वुड इन्वॉल्व टेकिंग बोर्ड नॉर्थ कोरिया हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेज इन्वॉल्विंग द रीजनल पावर इंक्लूड चाइना एंड साउथ कोरिया टू रीच आउट द किम। ये कह रहे हैं कि चाइना और साउथ कोरिया को उनको रीच करना चाहिए अगर आप इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो, और जो सिक्स पार्टी की जो टाक हुई थी उसको भी रिवाइव करने की ज़रूरत है, राइट। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई। अगला जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए ट्रिपल तलाक पे गवर्नमेंट एक लॉ लाने जा रही है, राइट। तो एक जो बिल है जिसका नाम है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल, ये विंटर सेशन में पास करने का प्लान बना रही है, और बिल का प्रोविजन ये है कि अगर आप इंस्टेंट तलाक देते हैं, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देते हैं, यानी कि एक बार में 3 बार तलाक 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 कहते हैं, तो आपको 3 साल की जेल हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि इस लॉ को बहुत ही क्लोज स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है, राइट। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक क्रिमिनल कन्विक्शन है, और ये कह रहे हैं कि जो 22 अगस्त का जो जजमेंट आया था जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसमें जो मेजॉरिटी, उसमें देखिए 2 जजमेंट थे, 3:2, मतलब 3 जज का मत एक था और 2 जज एक तरीके थे, ठीक है ना। तो मेजॉरिटी जो जजमेंट था उसने क्या कहा था कि ट्रिपल तलाक जो है, जिसे तलाक-ए-बिद्दत भी कहते हैं, वो उसको उसने सेट असाइड कर दिया था, ठीक है ना। उसने ये कहा कि ये वैलिड नहीं है, ये ट्रिपल तलाक इनवैलिड है, ठीक है। जो माइनॉरिटी जजमेंट था जिसमें चीफ जस्टिस जो जेएस खेर थे, उसके अलावा जस्टिस अब्दुल नज़ीर थे, उन्होंने ट्रिपल तलाक को वैलिड कहा था, ठीक है ना। तो एक तरीके से मतलब ये कह रहे हैं कि इतना इजी नहीं था ये जजमेंट भी, जजमेंट में भी 2 व्यू थे, राइट, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट इस पर लॉ बनाना चाहता है, बना सकता है, उसका अधिकार है, लेकिन कह रहे हैं कि इस जजमेंट में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। टॉप कोर्ट सेड दैट ट्रिपल डाइवोर्स इज क्रिमिनली पनिश्ड, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि नो वेयर इन इट्स जजमेंट इट इज सेड, ठीक है ना, तो जजमेंट में कहीं नहीं कहा गया है कि ट्रिपल तलाक क्या है, एक क्रिमिनली पनिश्ड इसको होना चाहिए, ठीक है ना, ट्रिपल तलाक इज टू बी क्रिमिनली पनिश्ड, ठीक है। तो ये कहीं इसमें मेंशन नहीं है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि आप पार्लियामेंट के पास अधिकार है, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में एंट्री 5 में ये मेंशन है, तो उस पर लॉ बना सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ 3 जज हैड ऑलरेडी सेट असाइड ट्रिपल तलाक। ये कह रहे हैं कि जो जजमेंट आया था, जजमेंट में तो ट्रिपल तलाक को ही टेस्ट एक तरीके से नल एंड वाइट करार दिया गया था, तो जब आपने उसको नल एंड वाइट करार दिया गया, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे मेंशन है 141 में, इसमें ये कहा जाता है, 141 क्या है, ये कह रहे हैं कि दिस इज़ द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो मतलब कोई भी सुप्रीम कोर्ट अगर किसी लॉ को डिक्लेयर करता है तो वो लॉ माना जाता है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से कह दिया कि ये जो है नल एंड वॉइड है, तो वो तो ख़त्म हो गया ना, वो एक तरीके से एक लॉ हो गया कि ट्रिपल तलाक नो मोर एग्जिस्ट, नो मोर, राइट, ट्रिपल तलाक अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यही कह रहे हैं कि ये बेसिकली नो नीड ऑफ एनी लॉ ऑन ट्रिपल डाइवर्स नो लॉन्गर डिजॉल्व मैरिज, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बेसिकली इसमें कोई ट्रिपल तलाक के लिए कोई नया लॉ लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये कह ये रहे ना कि देखिए ट्रिपल तलाक अब तक क्या होता था, अब तक तो ट्रिपल तलाक देने से, इस जो जजमेंट आया, जजमेंट से पहले क्या होता था, ट्रिपल तलाक देने से ये आपकी जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी, यही तो होता था। लेकिन अब क्या हुआ, लॉ आ जा ये सॉरी जजमेंट आ जाने के बाद अब क्या हुआ, अब लॉ के अकॉर्डिंग या जजमेंट के अकॉर्डिंग जब ट्रिपल तलाक वैलिड ही नहीं रहा, तो मतलब इसका मतलब आपका मैरिज तो वैलिड है, मैरिज मतलब डिसॉल्व ही नहीं हुई, ठीक है ना, यानी तलाक तो हुआ ही नहीं। तो ये कह रहे हैं कि जब ये सारी चीज़ें हैं, प्रोविज़न है, तो फिर आप इस पर लॉ क्यों बना रहे हैं। फिर ये देखिए कह रहे हैं कि ये डिसीज़न जो है, ये जो गवर्नमेंट ने इसमें जब ये डिसीज़न आना था, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न में इन्होंने कहा है कि 60 केसेज ऑफ ट्रिपल डाइवर्स इवन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट क्रिएशन इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने उसमें एक, हाँ ये कह रहे हैं कि ये हवाला इस बात का दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न के बावजूद 60 तलाक हो चुके हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये इनका आर्गुमेंट है, इसलिए ये लॉ लाने जा रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ये सोचते हैं
कि रॉन्गफुल कंडक्ट जो होता है, जो भी गलत काम होते हैं उसको क्राइम बना दिया जाए और वो ख़त्म हो जाए, तो ऐसा कोई रिसर्च, ये कोई एम्पिरिकल ऑथेंटिकल रिसर्च ऐसा नहीं कहता है। ये कह रहे हैं कि सिंस, जबकि ट्रिपल तलाक डाइवर्स नो मोर डिजॉल्व मैरिज, इट्स प्रोनाउंसमेंट इज इन इनकॉन्सिक्वेंशियल एंड इन नो वे एडवर्सली इफेक्ट आइदर वाइफ और सोसाइटी। ये कह रहे हैं कि जब ट्रिपल तलाक का प्रोनाउंसमेंट जो है वो एक तरीके से शादी को ख़त्म ही नहीं करता, तो उस पर फिर सोसाइटी का कैसे असर पड़ सकता है? कैसे आप कह सकते हैं कि क्या नाम इसका एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है? कह रहे कि ट्रिपल तलाक जो है ये पिनल ऑफेंस आपने बना दिया, तो ये तो एक तरीके से है जैसा राजीव गांधी ने अपने वक्त में किया था शाह बानो केस में। इसमें यही कहा गया था, जो उलमा थे उन्होंने देखिए ऑलरेडी कहा है कि हम ट्रिपल तलाक को एक तरीके से गलत मानते हैं और उस पर सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप तो एक तरीके से उन्हीं को फॉलो कर रहे हो, हु हैव देम सेल्फ टेकन द स्टैंड दैट वाइल ट्रिपल डाइवर्स वैलिडली डिजॉल्व मैरिज, द पर्सन मेकिंग थ्री इंस्टेंट प्रोनाउंसमेंट इज लाइबल टू पनिशमेंट। तो ऐसा तो उलमा भी कहते हैं कि ये क्या नाम है ट्रिपल तलाक जो है ये जो देता है वो पनिशमेंट के लिए लाइबल है। तो आप तो एक तरीके से उन्हीं को फॉलो कर रहे हो, एज वी गोइंग टू इंस्टेंट ऑन द गिल्टी इंटेंशन और मेकिंग ट्रिपल तलाक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस, विच वुड मीन दैट इवन इफ द पर्सन डिड नॉट इंटेंड टू डाइवर्स हिज वाइफ ही वुड बी पनिश फॉर मेयर अटरेंस ऑफ द वर्ड डाइवर्स थ्राइस। ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि एक और चीज़ इसमें ये है कि अगर मान लीजिए शौहर का इरादा नहीं है लेकिन उसने 3 बार अगर कह दिया तब भी वो उसका पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। तो यही कह रहे हैं कि, और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कह रहे हैं कि आपका जो क्रिमिनल लॉ का जो प्रिंसिपल है वो एक तरीके से प्रिजम करता है इनोसेंस एंड द बर्डन ऑफ द प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन ऑफ विच हैज टू प्रूव द केस बियॉन्ड अ शेडो ऑफ द डाउट। तो ये कहते हैं देखिए, जब भी संदेह का लाभ जो होता है वो किसको मिलता है? एक्यूज को मिलता है। ठीक है ना, तो अक्सर आपने देखा होगा कि संदेह के लाभ में लोग छूट जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि औरत जो है वो कैसे वहाँ पे कह पाएगी कि इन्होंने मुझको 3 तलाक दिया है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि आपने जैसे मान लीजिए 3 तलाक दे दिया तो कोर्ट में ये बात कैसे प्रूव होगी कि इन्होंने 3 तलाक, वहाँ पे तो शौहर जाके मना कर देगा कि नहीं हमने कहा ही नहीं है, तो वहाँ पे प्रूफ कैसे कर पाओगे? और जब प्रूफ नहीं करेंगे तो क्राइम हमारे वहाँ जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें यही तो होता है, हमारे वहाँ तो एविडेंस की बेसिस पे फैसला होता है, तो आप एविडेंस वहाँ पे शो ही नहीं कर पाओगे। तो एक तरीके से ये और आपके लिए कोस और बर्डन बढ़ता जाएगा, राइट? तो यही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आपने आपके प्रोविज़न ये भी बनाया है कि मेंटेनेंस के लिए प्रोविज़न देना है, तो अगर शौहर जेल चला जाएगा तो फिर ये मेंटेनेंस का खर्चा कौन देगा? ठीक है ना, और ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात इन्हें, सबसे अचंभे वाली बात इन्हें ये लगी कि किस बेसिस पे इन्होंने 3 साल कहा है। देखिए 3 साल के जो केसेस जो होते हैं, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा जो पनिशमेंट होता है वो बहुत ही सीरियस ऑफेंसेज में होते हैं। जैसे देखिए कुछ इन्होंने एग्जांपल दिए हैं, सेक्शन 148 जिसमें राइटिंग वगैरह होता है, आर्म्ड डेडली वीपन अगर रखते हैं, सेक्शन 153A जिसमें क्या कहते हैं आप एनमिटी मतलब हेट्रेड स्पीच वगैरह देते हैं, ठीक है, दहशत फैलाते हैं उस टाइप से, सेक्शन 237 है जबकि आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट में काउंटर फिटिंग करते हैं, 295A है जो कि मैलिशियस एक्ट, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों में आउटरेज रिलीजियस फीलिंग जो होती है इन सारे केसेस में ये क्या करते हैं, ये सीरियस क्राइम माने जाते हैं, राइट? तो इसमें क्या होता है, और वो भी ये जो सारे केसेस हैं ये इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं है, इसमें सोसाइटी को इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। तो इसमें तो ये कह रहे हैं कि और ये जो एक्ट है ये तो इंडिविजुअल बेसिस पे है, इसमें तो सिर्फ आपने 3 वर्ड ही कहे हैं, 3 वर्ड के लिए आपको 3 साल की सज़ा। तो ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से ये इसको मतलब जस्टिफाइड नहीं है, राइट? और फिर ये इन्होंने कहा कि हमारे आईपीसी में जो है, दूसरी बात आपने इसको क्राइम माना है, ठीक है, लेकिन आईपीसी की बहुत सारी धाराएं हैं, जैसे 34A हो गई जिसमें क्या होता है कॉजिंग डेथ बाय निग्लिजेंस, इसके अलावा 147 हो गई पनिशमेंट ऑफ राइटिंग, 171E हो गई पनिशमेंट ऑफ ब्राइबरी, ये सारी चीज़ें मतलब ये कह रहे हैं कि इनमें भी 3 साल या 3 साल से कम की सजा होती है। तो इसका कहने का मतलब ये रहता है कि ये जो है ये सारी चीज़ें आप इसका मतलब कि ज़्यादा इसको डेंजरस मानते हैं, हाँ मतलब कंपेयर कर रहे हैं कि आप 3 साल की सज़ा दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये स्मॉलर क्राइम है, ये जो है पनिशमेंट ऑफ राइटिंग इसका मतलब है कि ट्रिपल तलाक से बड़ा क्राइम हो गया, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक ये बड़ा क्राइम हो गया ट्रिपल तलाक से, पनिशमेंट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस ये कह रहे हैं कॉजिंग हर्ट बाई एन एक्ट ऑफ डेंजरिंग लाइफ पर्सनल सेफ्टी। तो यही कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नहीं समझ में आता कि इन्होंने किस बेसिस पे 3 साल इन्होंने रखा है। फिर ये कह रहे हैं कि देखिए आइडियली क्या होना चाहिए, डाइवर्स शुड नॉट बी ट्रीटेड बाई डाइवर्सिस एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं कि हमारे वहाँ सोशल स्टिग्मा है कि डाइवर्स देने के बाद उसकी दुनिया ख़त्म हो जाती है, कह रहे ये स्टिग्मा एक तरीके से इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो औरतें हैं उनको कह रहे हैं कि वो एक तरीके से ज़रूरत इस बात की है कि वो क्या करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने चीज़ लिखी लिखी है कि आवर वुमेन डू नॉट नीड मेन टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ,
डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि हमारी औरतों को डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए मर्दों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, वो अकेले भी अपनी ज़िंदगी डिग्निफाइड एक लाइफ के तौर पे जी सकती है। तो ये कह रहे हैं कि इस स्टिग्मा को सबसे पहले ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा ट्रिपल तलाक का जो या डाइवर्स जो है, ये कह रहे हैं कि शुड बी नथिंग मोर देन अ सिविल कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो एक तरीके से बस जो, चूंकि सिविल कंटेम्प्ट इन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक ऑर्डर है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो सिर्फ एक कंटेम्प्ट होगा उसका, किसका, सुप्रीम कोर्ट का, राइट, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में क्रिटिसाइज़ किया है इनके लॉ को, राइट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज काफ़ी देर हो गई, उसके लिए सॉरी, ठीक है, थैंक्स अ लॉट।